हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे लेमिएसी फैमिली के बारे में। इसको कॉमनली मिंट फैमिली भी कहते हैं। मिंट मतलब पुदीना, ठीक है ना। इस फैमिली के लक्षण क्या हैं, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स? तो इसके प्लांट्स जो होते हैं, दे आर एनुअल हर्ब्स। छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, 1 फीट के या ज़्यादा 2 फीट ऊंचाई के, इससे ज़्यादा बड़े नहीं होते। रेयरली दे आर श्रब्स, बहुत रेयरली ये कोई श्रब्स या झाड़ी नुमा प्लांट्स होते हैं। जड़ें जो होती है वो मूसला जड़ होती है। टेप रूट सिस्टम पाया जाता है, एक मेन रूट होती है एंड देन उसके साइड से लेटरल जड़ें निकलती है। तना जो होता है वो हर्बेशियस होता है। हर्बेशियस मतलब हरा होता है, सॉफ्ट होता है। क्वाड्रेंगुलर होता है, मतलब चौकोर होता है जनरली। ग्लैंडुलर हेयर्स आर प्रेजेंट, और तने के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक बाल जैसे स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं, जो कि उस तने को कभी शाइनी या कभी रफ अपीयरेंस देते हैं। पत्तियां जो होती हैं, लीव्स पीटियोलेट होती हैं, मतलब उनके पर्णवृत्त पाया जाता है पत्तियों के अंदर। अपोजिट होती हैं, डेकुसेट होती हैं, सिंपल होती हैं, बिल्कुल कटी फटी नहीं होती हैं, या सिंपल एंड दे आर एक्स स्टिपुलेट। एक्स स्टिपुलेट मतलब स्टिप्यूल नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, मतलब पत्ती जो है ससाइल होती है। नाउ ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज प्लांट के सारे भाग, तना, पत्ती और पुष्प क्रम जो भी हैं, सारे के सारे हेयर्स से कवर्ड होते हैं। जनरली ग्लैंडुलर हेयर्स पाए जाते हैं, और ये जो बाल होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, दे सिक्रेट कैरेक्टरिस्टिक सेंट ऑफ दैट स्पीशीज। मतलब इन बालों के अंदर ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑयल या खुशबू, उन ग्लैंड्स के द्वारा एक हर स्पीशीज के एक पर्टिकुलर खुशबू प्रोड्यूस की जाती है। जैसा अगर हम तुलसी के तने को सूंघें तो उसमें एक अलग खुशबू आएगी, पुदीने के तने को आप सूंघो उसमें पुदीने जैसी खुशबू आएगी। इस तरह से इस फैमिली के हर एक प्लांट की पत्तियाँ, तना, हर एक जो प्लांट का पार्ट है, इट इज़ कवर्ड विद ग्लैंडुलर हेयर्स। और ये जो हेयर्स होते हैं, ये एक स्पेसिफिक खुशबू, उस जीनस की स्पेसिफिक खुशबू प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इन हेयर्स के अंदर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। वो ग्लैंड्स जो होते हैं वो सेंटेड ऑयल को सीक्रेट करती हैं, और इसलिए वो पर्टिकुलर स्मेल देते हैं, खुशबू देते हैं। और ये जो जनरली जो सेंटेड ऑयल सीक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, दे आर फाउंड फ्रीक्वेंटली ऑन एपिडर्मिस, जनरली एपिडर्मल लेयर के ऊपर पाई जाती हैं। नाउ इन्फ्लोरेसेंस जो है, वर्टिसिलिस्टर इन्फ्लोरेसेंस है, इट इज़ अपोजिट एक्सिलरी साइम इन्फ्लोरेसेंस है। देन फ्लावर जो होते हैं वो पेडिसिलेट होते हैं, मतलब छोटी सी उनकी डंडी होती है। ई ब्रैक्टिएट होते हैं, ब्रैक्स नहीं पाए जाते। जाइगोमॉर्फिक होते हैं, मतलब कि प्लांट को, फ्लावर को यदि हम एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर काटते हैं तभी वो दो इक्वल पार्ट्स में कटेगा, अन्यथा वो दो इक्वल पार्ट्स में नहीं कटेगा। कंप्लीट होते हैं, मतलब कि सारे फ्लोरल वर्ल्स पाए जाते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, सब कुछ पाया जाता है। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं, दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर के अंदर पाए जाता है। हाइपोगाइनस मतलब कि ओवरी सुपीरियर होती है, ओवरी ऊपर होती है सबसे, एंड ओवरी के नीचे से सारे फ्लोरल पार्ट्स निकलते हैं। देन कैलिक्स जो होता है उसके अंदर 4 या 5 सेपल्स होते हैं। सेपल्स जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, चिपके हुए होते हैं, एंड कभी कभी ये जो सेपल्स होते हैं वो इस तरह से चिपके हुए होते हैं कि एक ट्यूब लाइक या फनल शेप्ड स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। और ज़्यादातर ये जो फनल होता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ये बाइलेबिएट होता है या टू लिप्ड होता है। ऐसे लगता है हमें जैसे कि इसके बीच के अंदर नॉच होती है, पाँचों इस तरह से फ्यूज्ड होते हैं या चारों सेपल्स इस तरह से फ्यूज्ड होते हैं कि एक फनल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एंड उनके बीच में एक नॉच होती है जिसके कारण हमें ऐसे लगता है जैसे कि दो लिप्स हैं। कोरोला जो होता है 4 या 5 पेटल्स होते हैं, गैमोपेटलस होता है और बाइलेबिएट होता है कोरोला भी इसी तरह से। लेकिन कोरोला के अंदर जो ऊपर वाला लिप होता है उसके अंदर 2 नॉचेस होती है, और नीचे वाला कोरोला के अंदर जो 5 पेटल्स होते हैं वो एकदम क्लियरली हमें दिखते हैं फ्यूज्ड। और कैसे फ्यूज दिखते हैं वो हमें नॉचेस के द्वारा। ऊपर वाला जो लिप होता है उसके अंदर क्लियरली 2 नॉचेस होती हैं, नीचे वाले लिप के अंदर 3 नॉचेस होती हैं।
नाउ एंड्रोशियम जो होता है चार स्टेमन्स होते हैं इसके अंदर, डायडाइनमस कंडीशन चार मतलब दो दो के ग्रुप में होते हैं, एपिपेटल्स होते हैं पेटल्स के साथ में अटैच्ड होते हैं, बेसी फिक्स्ड होते हैं मतलब कि उसके अंदर जो फिलामेंट है स्टेमन का वो बेस पर अटैच्ड होता है। देन गाइनोशियम जो है बाइकार्पलरी, दो कार्पल्स होते हैं, सिनकार्पल्स, कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं, चिपके हुए होते हैं, ओवरी सुपीरियर होती है, टेट्रालोक्युलर होती है मतलब कि चार लोक्यूल्स होते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि होते तो दो ही लोक्यूल्स हैं लेकिन एक बीच में, इन दोनों के बीच में एक फॉल्स सेप्टम अपीयर हो जाता है जिसके कारण हमें ऐसे दिखाई देता है जैसे कि चार लोक्यूल्स है। प्लेजेंटेशन जो है वो जनरली एक्साइल है या अक्षीय प्लेजेंटेशन विन्यास पाया जाता है। देन फ्रूट्स जो होते हैं वो सिंपल फ्रूट्स होते हैं विद परसिस्टेंट कैलिक्स होते हैं, सीड्स जो होते हैं उनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। ये फ्लोरल डायग्राम है एक फ्लावर का जनरल एंड दिस इज फ्लोरल फॉर्मूला इन जनरल। नाउ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर हम इस फैमिली का, एक काफ़ी आर्थिक महत्व होता है जैसे कि सीड्स और ट्यूबर्स ऑफ स्टेकीज इट इज दे आर एडिबल, ये खाए जाते हैं। मेंथा इसकी पुदीने की पत्तियाँ, मेंथा विरिडिस पुदीना का बॉटनिकल नेम है, ओसिमम बेसिलिकम, ओसिमम सेंटम, मेलिसा ऑफिशिनेलिस एक्सेट्रा की पत्तियाँ, दे आर यूज एज कॉन्डिमेंट्स ऑल्सो एंड दे आर ईटन, खाई जाती हैं, उनको मसाले के रूप में भी काम में लिया जाता है। देन मेडिसिनली ऑल्सो दिस फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई इंपॉर्टेंट मेडिसिन मिलती है, एजुका, ब्रैक्टियोसा, लेकस, सिफेलेटस आर यूज इन फीवर, इनको बुखार के लिए काम में लिया जाता है। मैंथा पिपरेटा एंड थाइमस सरफाइलम दे गिव मैंथोल एंड थाइमोल रिस्पेक्टिवली विच इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन मेडिसिन, जिसको कि दवाइयों में काम में लिया जाता है। देन मैंथा क्लीमेंडस चेरिकम की पत्तियाँ जो होती हैं उनसे कैम्फर या कपूर प्राप्त किया जाता है। ओसिमम सेंटम और ओसिमम की दूसरी स्पीशीज, ओसिमम बेसिलिकम इस और भी दूसरी स्पीशीज, जितनी भी तुलसी की स्पीशीज, ओसिमम सेंटम इस तुलसी जो हम घर में तुलसी का पौधा उगाते हैं वो, ओसिलम बेसिलिकम या ओसिमम सेंटम, ओसिमम की जितनी भी स्पीशीज है दे आर यूज मेडिसिनली टू क्योर वेरियस एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब कई बीमारियों को क्योर करने के लिए बेसिलिकम काम में ली जाती है। देन इसके कई प्लांट्स जो होते हैं वो ऑर्नामेंटल भी होते हैं, दिखने में बड़े सुंदर होते हैं और उनको गार्डन्स में उगाया जाता है जैसे कि साल्विया, एजुगा, लियोनेटस, ड्रेकोसिफेलम, थाइमस, लेवेंडुला एक्सेट्रा, ठीक है, इन प्लांट्स को लिया जाता है। देन परफ्यूम्स इज ऑब्टेंड या एरोमेटिक ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेवेंडुला एंड लेवेंडुला से एरोमेटिक ऑयल ऑब्टेन होता है जिसका लेवेंडर कहते हैं। देन रेड डाई, लाल डाई ऑब्टेन की जाती है लाइकोपस यूरोपियस के द्वारा, लाल डाई प्राप्त की जाती है। नाउ ये फैमिली जो है ये कई प्रिमिटिव कैरेक्टर्स एंड एडवांस्ड कैरेक्टर्स भी शो करते हैं इसके प्लांट्स। कुछ मेंबर्स इसके होते हैं दे आर पेरिनियल श्रब्स होते हैं, इसकी पत्तियाँ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स क्या है ये वाले हैं, इनकी पत्तियाँ जो है वो सिंपल होती हैं, फ्लावर्स जो हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, रंगीन होते हैं, सेंटेड होते हैं, खुशबू आती है उनमें से और इनके अंदर जो परागण है वो कीटों के द्वारा होता है, इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, ये इसके सारे प्रिमिटिव या पुराने कैरेक्टर्स हैं। देन एडवांस्ड कैरेक्टर्स जो इस फैमिली के होते हैं वो हैं प्लांट्स आर मोस्टली हर्बेशियस, हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, पत्तियाँ जो होती है वो एक्स स्टिपुलेट स्टिप्यूल एब्सेंट होता है, अपोजिट या वर्ल्ड होती है, वर्ल्ड मतलब झुंड के अंदर पाई जाती है। फ्लावर्स के अंदर इन्फ्लोरेसेंस जो है वो डिस्टिंक्ट होती है, फूल जो होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं एंड इन सम केसेस फ्लावर्स दे आर ऑल्सो यूनिसेक्सुअल। कैलिक्स जो है गेमोसेपलस होता है, बाइलेबिएट है, कोरोला गेमोपेटलस है, बाइलेबिएट है, स्टेमन्स जो हैं एपिपेटलस है एंड दे आर रिड्यूस्ड टू टू। गाइनोशियम जो है बाइकार्पलरी होता है, दो कार्पल्स होते हैं, दोनों कार्पल्स यूनाइटेड होते हैं और अक्षीय प्लेजेंटेशन पाई जाती है, एक ओव्यूल पर लोक्यूल पाया जाता है, फ्रूट्स जो होते हैं वो सिंपल होते हैं और बीज जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो ये इस फैमिली के एडवांस्ड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है।